अरे ऐसे आओ इधर पाछो इधर आओ भाई पीछे 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 कौन भी था चलो भाई इधर आ जाओ इधर आ जाइए इधर इधर जाइए अरे रुक जाओ अध्यक्ष जी को तो बुलाओ अध्यक्ष जी आ जाओ भैया सामने देखो दीदी का आ गया देखो ये नहीं खींच पाओगे ये मानेंगे नहीं हम लोग करवा रहे हैं ना भैया इधर ना देखो इधर नहीं उधर देखो सामने देख लीजिए बढ़िया हो जो पूरे जनपद पर फतेहपुर जनपद के लोकप्रिय सांसद विधायक और एक नई परंपरा स्टार्ट करने मैसेज जाने का कि चाहे विधायक हो चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो चाहे सांसद हो चाहे जो जितने हैं और उनको नाच ना आवे आंगन टेढ़ा ठीक अब जिनको करना नहीं आता तो करे कराए में बोलना ही है कुछ तो बोलना है ना अब मौन भी नहीं रह सकते जनता के बीच में संदेश अभी देना है कि हम भी बोलते हैं अब क्या बोलते हैं यही काम ये जेवर का जो एयरपोर्ट का है ये शुरुआत 14 से शुरू हो गई थी चाहते तो ये श्रेय ले सकते थे तुमको किसने रोका था भाई प्रस्ताव करके भारत सरकार को भेजते इंटरनेशनल ये एयरपोर्ट बन रहा है तब भी कर सकते थे कुशीनगर के लिए भी पहले से शुरुआत थी तब क्यों नहीं कर पाए यदि योगी जी कर रहे हैं तो तुम्हारा हाथ किसने पकड़ा था सरकार तुम्हारे साथ भी खड़ी हो लेकिन तब तुम्हें लग रहा था कि हम कोई काम करेंगे तो मोदी जी का नाम होगा अरे भैया नाम किसी का हो विकास तो प्रदेश का होता ना मेट्रो का उद्घाटन कर दिया मेट्रो चली नहीं थी अब वही बात है मैंने पहले भी कह दिया ना चलावे आंगन टेढ़ा अब 22 का चुनाव आ रहा है तो अब बोल रहे हैं सभी छोटी छोटी पार्टियों का एक गुलदस्ता बना रहे हैं जो विकास में के लिए आगे काम करेगा आप सिंगल है भाजपा सिंगल है कोई विकास नहीं एक बात मैं बता दूं मैं कभी कभी नकली गुलदस्ते भी बाजार में बिकते हैं एक असली गुलदस्ता होता है जिसमें खुशबू होती है और वो जहाँ रखा जाता है महक उठती है और ये जो गुलदस्ता बन रहा है ना वैसी जैसे लोग इत्र छिड़कने आ रहे हैं तो अपने आप दो दिन में सड़ जाएगा अब सत्ता के लिए कुछ भी करें लेकिन 22 में सरकार नहीं आने वाली उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि हम लोग काम के बल पर जा रहे हैं हमने काम किया है यदि मैं देखूं आज कोविड जैसी महामारी इन लोगों के समय आई होती तो लोगों के चूल्हे नहीं जलते लाइट की क्या स्थिति थी फतेहपुर में आप मैं बताऊं कि मेरे पास दिन भर 100 में से 90 लाइट के लिए ही फोन आते थे इतनी स्थिति खराब थी काम क्यों नहीं होने दिया था आवास प्रधानमंत्री आवास योजना 16 में लागू हो गई थी लेकिन इन्होंने 17 तक उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने दिया था पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना ये 15 में 14 में ही लागू हो गई थी इन्होंने लागू नहीं होने दिया था क्यों उसमें मोदी जी का नाम जुड़ता तुमने प्रदेश की जनता का हनन किया था विकास के नाम जनता तुम्हें देने वाली वोट नहीं है हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद